अभी बता दे दो राहुल जी, एक डेटा कहता है, शिवम त्यागी नहीं कहता, शिवम त्यागी को विश्वास मत कीजिएगा। जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले साल में 6,52,000 यात्री जाते थे, आज अगर मैं खास तौर पर वहां पर बात करूं तो 27,10,000 सालाना जो है वहां पर यात्री जा रहे हैं, यानी कि जाहिर है टूरिज्म बढ़ा है। आपने एक बात बिल्कुल सही कही, जिस तरीके से हाल ही में चुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश आतंकवादियों द्वारा हुई है, हम साफ कह देना चाहते हैं वो अगर हमला करेंगे, एक मारेंगे हम चार मारेंगे, उनको 2.5 फीट धरती में गाड़ देंगे, स्टैंड क्लियर है हमारा। पिछले 4 साल में आम जो सिविलियन था, पुलिस और फौज, उनकी जो आपस में टसल होती थी उसमें अप्रोक्सीमेटली जम्मू कश्मीर में 2016 से 19 के बीच में 124 लोग मरे थे, जीरो हो गए, वो पत्थरबाजी की घटना जीरो हो गई है, पाकिस्तान का झंडा गायब हो गया है। मैं कहता हूं कि हम नॉर्मलसी पर जम्मू कश्मीर को लेकर आएंगे, लेकिन एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जो हमारे साथ वहां पर लड़ रही है, अगर वो 370 को वापस लाने की बात करती है, कश्मीर के झंडे को वापस लाने की बात करती है, 35A को वापस लाने की बात करती है, पत्थरबाजों के परिवार को सब कुछ आपने सरकारी नौकरी करने की बात करती है, तो शिवम जवाब चाहिए। मैं इससे पहले राहुल जी और विजय जी के पास जाऊं, भाटी जी आ रहा हूं आपके पास भी, इंडिया अलायंस की आप एक मजबूत पार्टनर है ना, लेकिन जो सवाल सुशील पंडित जी ने पूछा था, कहीं सरकार बनाने के लिए शिवम त्यागी जी आप अलायंस तो नहीं कर लेंगे इस बार किसी गुपकार कैन के साथी के साथ, ब्रीफली आंसर कर दीजिए, कैन यू कंफर्म दैट? बिल्कुल नहीं, अगर किसी घर में से वह बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी भी घर में से जाले हटाने के लिए, सफाई करने के लिए वहां घुसना आवश्यक है। हमने जिन परिस्थितियों में अलायंस किया था, हमें सफाई करनी थी, चीजों को बेहतर करना था, कर दिया, अब हम चुनाव में हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं आप जीतेंगे, लेकिन आप फिर ये नहीं बोल रहे, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, 30 more seconds टू यू, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 4 सीट कम है आपके पास, 5 सीट कम है आपके पास, 10 सीट कम है आपके पास, उमर अब्दुल्ला बोलते हैं या महबूबा मुफ्ती बोलती हैं, आई एम रेडी सपोर्ट मी, या मैं आपको सपोर्ट करता हूं, बीजेपी सपोर्ट लेगी कि नहीं लेगी, क्लियर क्वेश्चन, गिव मी अ क्लियर आंसर, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल सीधे सवाल का सीधा जवाब है, हम अलायंस नहीं करने जा रहे हैं, हम जीत करा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं, ऑफिशियली बोल रही है बीजेपी, बीजेपी के प्रवक्ता, लेट्स सी व्हेदर यू स्टिक ऑन दैट और नॉट। राहुल देव जी, भाटी जी, विजय त्रिवेदी जी, रत्नाकर जी, राहुल देव जी, रिकॉर्ड कर लीजिए, नहीं कर, सर बोलने से पहले पीसीआर को बोल दिया था मैंने, आज शर्मा नहीं है लेकिन अनिल है, उसको मैंने बोल दिया था रिकॉर्ड कर लेना, रिजल्ट पे आने के बाद शिवम त्यागी को स्टूडियो में बुला के करूंगा सर, टेंशन नहीं लेना। राहुल देव जी, सर योर रिएक्शन ऑन दिस। बिल्कुल राहुल देव जी, व्हाट्स योर एनालिसिस, ये जो 10 सवाल अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछे हैं, इसमें कुछ गलती तो नहीं, बट इज इट ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ इलेक्शन? सर राहुल देव जी, ऐश्वर्य जी, सर बीजेपी के नेता ने कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता देंगे, मुझे या पत्रकारों को, किसी पत्रकार को उनका सवाल देने की जरूरत ही नहीं है, जवाब देने की, हम सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत रोचक चुनाव होगा और देश के लिए निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा। जहां तक 370 और 35A का सवाल है, उनको हटाने से पहले ही ये बात सब जानते हैं कि लगभग 90% उसके जो मूल प्रावधान थे वो हटाए जा चुके थे, और लगभग और हर क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से लेकर बाकी क्षेत्रों में भी भारत का संविधान ही वहां पर लागू हो रहा था। पिछले कई दशकों से धीरे धीरे ये परिवर्तन होता रहा है, तो आज 1953 की बात करना या जो मूल प्रावधान थे 370 के उनकी बात करना थोड़ा ठीक नहीं है, अनैतिहासिक बात है, क्योंकि वो जब ये हटा है तब वो प्रावधान थे ही नहीं ऑपरेशनल, वो हटाए जा चुके थे, बदले जा चुके थे। तो सवाल ये नहीं है कि अब ये उनको तय करना है कि घाटी और जम्मू के लोगों को अपने वोट से ये तय करना है कि वो इन सवालों के बारे में क्या सोचते हैं 370 के बारे में। मेरी अपनी निजी राय है कि एक अध्याय जो खत्म हो गया एक बार, उसको दोबारा शुरू करना और दोबारा उसको जीवित करना एक नए विवाद को जन्म देना है। तो अब इतिहास हमें आगे ले जाने को बाध्य कर रहा है, तो जो हो गया वो हो गया, अब हमें आगे मिलकर और सारी पार्टियों को मिलकर जम्मू कश्मीर को और भारत को आगे ले जाने की बात करनी है।
तो उसमें हर बार अतीत पर जाने से कोई ज्यादा लाभ किसी को होता नहीं है सिवाय एक भावनात्मक अपील के। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि बहुत पुराने हमारे मित्र परम मित्र सुशील पंडित ने, सुशील जी को लाइए प्लीज, बहुत सारी बातें, वो तो उस्ताद हैं जम्मू कश्मीर के, मैं तो कुछ भी नहीं उनके बारे उनके बराबर जानता, लेकिन मेरी अपनी एक एक मोटी समझ ये है कि जो हो गया, मैं जैसे मैंने कहा 53 में क्या था, किसने क्या चीजें दी थी, किसने अपने दस्तावेजों में क्या था, उसको छोड़कर अभी ये जो सारी पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्र में मैनिफेस्टोज में जो घोषणाएं करें, हमें उन पर फोकस करना चाहिए। मैं नहीं जानता, मैंने नहीं पढ़े अभी कि किसने क्या मैनिफेस्टो जारी किया है, शायद अभी नहीं हुए हैं, वो जब होंगे तब हमें पता चलेगा कि उनका इन सारे सवालों पर स्टैंड क्या है। राहुल गांधी ने कुछ बातें कही हैं, कुछ फारूक अब्दुल्ला ने कही हैं, उन पर कांग्रेस पार्टी और वो लोग जवाब देंगे, लेकिन मैंने मोटी बात यह है कि हमें पीछे नहीं जाना है, हमें आगे जाना है। आगे जाना है। ब्रीफली सुशील पंडित जी इस पर इंटरेक्ट करें, मैं फिर आ रहा हूं रत्नाकर जी। सुशील जी, योर ब्रीफ कॉमेंट। शिवम जी, आ रहा हूं जी। राहुल देव जी प्रणाम, आपसे मैं कमोबेश सहमत हूं, लेकिन 370 की बहुत सी शर्तें लागू नहीं होती थीं, लेकिन बहुत सी अहम बातें अब भी थीं, जैसे भारत की संसद का हस्तक्षेप नहीं था जम्मू कश्मीर में, कानून नहीं बना सकती थी भारत की संसद, कश्मीर का एक अपना संविधान था जो भारत के संविधान से भिन्न था, उसमें माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों का तसव्वुर नहीं था, उसमें रिजर्वेशंस नहीं थी, उसमें असेंबली की मियाद 6 साल थी, उसमें परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट PRC वहां की अपनी नागरिकता परिभाषित अभी भी होती थी, स्टेट सब्जेक्ट्स अभी भी थे। ये बहुत मोटे और बड़े प्रावधान थे जो पृथकतावाद को खाद पानी देते थे, और आज भी वहां की जो दो प्रिंसिपल मेनस्ट्रीम पार्टीज जिनको हम कहते हैं PDP, उनका होम रूल डॉक्यूमेंट देख लीजिए, घिन आती है उसको पढ़कर। उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, pre-53 ऑटोनॉमी, जबकि शेख अब्दुल्ला ने 1980 में देवीदास ठाकुर कमिटी बनाई थी, उसको यह कहा गया था कि आप देखें कि 370 में से जो डाइल्यूशंस हुए हैं अब तक, क्या वो स्टेट के लिए, राज्य के लिए सही हैं, मुफीद हैं, लाभदायक हैं, या हमें उसमें से कुछ बदलने का आग्रह करना चाहिए। देवीदास ठाकुर कमिटी जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, उससे पहले जज रह चुके थे हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि ये सारे परिवर्तन हमें एक्सेप्टेबल हैं, हमें स्वीकार हैं, और ये प्रदेश की प्रगति के लिए ठीक हैं। उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उन्हीं शेख अब्दुल्ला ने देवीदास ठाकुर कमिटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, 370 में आए परिवर्तनों को एक्सेप्ट किया, लेकिन तीसरी पीढ़ी कह रही है कि हमें 1953 से पीछे लौटना है। वही उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमें 1953 से पीछे लौटना है, जबकि शेख अब्दुल्ला ने देवीदास का ठाकुर कमिटी की रिपोर्ट को पूरा 100% एक्सेप्ट किया, जिन्होंने कहा कि सारे परिवर्तन मान्य हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें इतिहास में पीछे लौटकर नहीं जाना है, यह बेतुकी बात है, लेकिन चुनाव लड़ने पर ये जो पार्टियां आमादा हैं और मैनिफेस्टोज लेके आई हैं, ये कितना बेतुका घोषणा पत्र है, ये देश को रसातल में ले जाने वाला है, और ऐसी पार्टियों के साथ चुनाव के बाद होने वाले गठबंधन महापाप हैं। महापाप पहले हो चुके हैं, आगे ना हो, इसी की कामना है।